हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रवि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चैनल के अंदर एक और बार आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम ये वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि क्रूड ऑयल जो है वो नेक्स्ट आगे कहां तक जा सकता है, क्या उसके सपोर्ट हो सकते हैं, क्या उसका टारगेट हो सकता है, उसके बारे में। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हो, पिछले वीडियो के अंदर भी मैंने बात की थी और मैंने बताया था कि क्रूड ऑयल जो है वो साइडवेज रेंज में है और बहुत ही जल्दी जो है वो अपनी ये साइडवेज रेंज जो है वो ब्रेक करेगा और कोई भी एक साइड का जो है वो मूवमेंट हमें मिलेगा। और मैंने ये भी बताया था कि अगर बाय करना हो तो 3250 का जो एरिया है उसके ऊपर करो और सेल करना हो तो 3100 के नीचे करो। ठीक है, वो वाला जो एरिया है जैसे ही वो ब्रेक होगा तो क्रूड ऑयल के अंदर जो है वो हमें बहुत ही ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है। ऐसे क्लियरली दोस्तों वर्ल्ड के अंदर मैंने लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन दिया था। ठीक है, तो जैसे ही हमारा फाइनल जो सपोर्ट था वो था 3055, वो ब्रेक हुआ, उसके नीचे जो है वो लगभग उसने 2887 के आसपास जो है वो एक लो लगाया और वहाँ से जो है वो थोड़ा सा बाउंस करके ऊपर जो है वो क्लोजिंग किया है। लेकिन अभी भी क्रूड ऑयल के अंदर जो है वो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई अब नीचे की चाल जो है वो दोस्तों शुरू हुई है ब्रेक डाउन के बाद। तो अब हमें ये देखना है कि ये कहाँ तक रिट्रेस हो सकता है, उसकी एक जो प्रोबेबिलिटी है वो भी मैं आपको ये वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। तो वीडियो खास ध्यान से सुनना अगर आप क्रूड ऑयल के अंदर ट्रेड करते हो तो। ठीक है, अब पहला जो सपोर्ट है नेक्स्ट वीक के लिए जो हमें ध्यान में रखना है दोस्तों वो है 2880। ये बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट था कि जो लास्ट वीक में भी उसने ब्रेक नहीं किया है। लेकिन अगर ये अगले वीक के अंदर की जो हमारा सेकेंड वीक ऑफ सितंबर है उसके अंदर जो है वो ये ब्रेक कर देता है ये लेवल को और उसके नीचे जाके अगर ये सस्टेन कर लेता है तो हम जो है वो 2800 का जो लेवल है उसके आसपास जो है वो जा सकते हैं। और ये जो लेवल होगा दोस्तों वो हमारा फाइनल सपोर्ट मान के चलना है। और अगर फाइनल सपोर्ट जो है वो ब्रेक होगा तो क्या नतीजे होते वो तो आप सब जानते हो। ऊपर टाइटल में भी मैंने मेंशन किया है कि लास्ट वीक में हमारा फाइनल सपोर्ट था 3055। जब भी फाइनल सपोर्ट जो है दोस्तों ब्रेक होगा, उसके नीचे क्लोजिंग होगा, सस्टेन होगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको करेक्शन करके देगा। ठीक है, मेन आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगर ये जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो जाता है और इसके नीचे अगर जाने की कोशिश करता है तो नेक्स्ट वीक के अंदर जो है दोस्तों हम लगभग 2760 का जो लेवल है उसके आसपास जा सकते हैं। और उससे भी नीचे अगर जाने की कोशिश करते हैं तो 2690, मतलब मोटा मोटी 2700 का जो लेवल है जिसकी प्रोबेबिलिटी दोस्तों मुझे ज़्यादा लग रही है अभी जो सिचुएशन है वो हिसाब से, कि हम जो है वो एक बार 2700 का जो लेवल है उसके आसपास जा सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि क्या वो लेवल ब्रेक होगा या नहीं। अगर वो लेवल जो है दोस्तों ब्रेक हो गया, उसके नीचे चला गया, तो आपको इसके अंदर जो है वो फिर से और करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन वो बातें जो है वो अभी हम नहीं कर रहे क्योंकि वो लेवल जब आएगा तब हम उसकी डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि 2700 तक जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। अगर वो लेवल मान लेते कि नेक्स्ट वीक के अंदर ही ब्रेक हो गया, क्योंकि जो है वो मैं लाइव मार्केट के अंदर तो वीडियो बना नहीं सकता और वीक के मिडल में आके भी वीडियो नहीं बना सकता, तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। अगर नेक्स्ट वीक के अंदर 2700 का जो लेवल है वो ब्रेक हो जाता है, उसके नीचे अगर ये सस्टेन कर जाता है, क्लोजिंग कर लेता है, ठीक है, 2700 के नीचे दोस्तों, तो आपको और ज़्यादा इसकी पिटाई होती हुई देखने को मिल सकती है। और मे बी हम जो है वो 2550 से 2400 का जो लेवल है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, 2400 इज़ पॉसिबल इन क्रूड ऑयल अगर 2700 का लेवल जो है वो ब्रेक होता है तो। ठीक है, आपको यहाँ पर खास ध्यान देना है दोस्तों। तो हमें जो है वो क्रूड ऑयल के अंदर थोड़ा सा अभी सतर्क रह के काम करना है क्योंकि गिरावट आई है, बाउंस भी हो सकता है, कहाँ तक उसके टारगेट है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इंट्राडे के अंदर क्रूड ऑयल में काम करते हो तो हमारा जो इंट्राडे का ग्रुप है जिसके अंदर जो है वो हम क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड और सिल्वर सब के बारे में जो है वो
लाइव मार्केट के अंदर अपडेट देते हैं, जहाँ पर बाय सेल का अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पर हम वो करते हैं। तो आप में से बहुत सारे दोस्त जो होंगे वो अगर लाइव मार्केट के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी एप्लीकेशन का लिंक है दोस्तों, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर जो है वो हम जुड़ के वहाँ पर हम जो है उसका डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, वो चार्जेबल ग्रुप है दोस्तों और हमारे जो चार्जेस है वो बहुत ही नॉमिनल है, 4 डिजिट से भी कम। ठीक है, 4 डिजिट भी नहीं है, उतने उसके चार्जेस है, तो आप समझ सकते हो उतने चार्जेस के अंदर जो है वो हम वहाँ पर पूरी डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ठीक लगे, अच्छा लगे, तो आप हमारे साथ जरूर जो है वो ज्वाइन करना और मैंने बताया वैसे सपोर्ट जो है वो खास ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक का टारगेट जो है वो क्या हो सकता है उसके बारे में। तो नंबर वन जो टारगेट है दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए क्रूड ऑयल के अंदर वो है 2970। ठीक है, ये हमारा जो है वो एक इम्पोर्टेंट टारगेट हो जाएगा और मेरा दोस्तों मानना भी ये है कि जब तक ये लेवल जो है हमारा इम्पोर्टेंट लेवल 2970 उसके ऊपर जाके अगर क्रूड ऑयल जो है वो सस्टेन नहीं कर पाता है, क्लोजिंग नहीं कर पाता है, तब तक हमें जो है वो क्रूड ऑयल से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। उसमें ही हमारी समझदारी है क्योंकि इसकी जो मूवमेंट है वो आप सब लोगों ने देख ली थी, क्योंकि पिछली बार जो है वो एक बार माइनस में जा चुका है और अभी भी थोड़ा सा वॉर टाइप का सिचुएशन चल रहा है बॉर्डर के ऊपर, तो आपको वो न्यूज़ का भी इम्पैक्ट इसके अंदर होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो हमें जो है वो क्रूड ऑयल के अंदर खास ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि जहाँ पर थोड़ी सी भी कुछ प्रॉब्लम आएगी सीधी उसकी इफेक्ट जो है वो क्रूड ऑयल पर आएगी। ठीक है, और लॉन्ग टर्म के अंदर जो है इसके अंदर क्रूड ऑयल के अंदर दिक्कत आना तो तय है, वो डिसाइडेड है, वो उसकी किस्मत में लिखा जा चुका है कि क्रूड ऑयल लॉन्ग टर्म के अंदर जो है वो प्रॉब्लम में है और है। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ क्योंकि पूरी जो उसकी स्टोरी है वो तो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन आप जो है वो इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना, हो सके तो कहीं आप जो है वो रोज़ इसके अंदर ट्रेड करते हो तो थोड़ा जो है वो इसको मूव कर लेना। ठीक है, मतलब और जगह पे, क्योंकि दोस्तों हमें जो मतलब है पैसा कमाने से, सीधी बात है, हमारा रूल है सीधा पैसा कमाओ बात मस्त रहो। ठीक है, तो हमें क्रूड ऑयल दे या कोई और दे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो आप हो सके तो कहीं और इसके अंदर जो है वो मूव कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है आने वाले दिनों के अंदर, तो थोड़े टाइम के लिए जो है वो जब तक ये सेटल ना हो जाए तब तक जो है वो हमें ध्यान रखना है। और अगर किसी को फिर भी इसके अंदर ट्रेड करना ही है तो 2970 का जो लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए, उसके बाद ही जो है वो हम इसके अंदर एंटर हो सकते हैं। और सेल करने के लिए 2880 का जो लेवल है, जैसे ही ब्रेक हो जाए, सस्टेन करे, क्लोजिंग कर दे, तो आपको मान के चलो 2700 का जो लेवल है, मतलब वहाँ से लगभग 150-180 पॉइंट की गिरावट जो है वो अभी भी और बची हुई है, चांसेस है, हो सकते हैं। अगर 2700 टूट गया तो और ज़्यादा 2400 का जो लेवल है वो आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा जो टारगेट नंबर वन है वो हुआ। अब टारगेट नंबर टू की हम बात कर लेते हैं। टारगेट नंबर टू जो बनता है दोस्तों वो है 3020 का लेवल, ये जो होगा वो हमारा फाइनल टारगेट होगा नेक्स्ट वीक के लिए। अगर हमारा फाइनल टारगेट जो है वो सस्टेन हो जाएगा ऊपर की तरफ, तो हम जो है वो इसके अंदर और थोड़ी सी आगे तेज़ी देख सकते हैं, और ये जो तेज़ी है वो फिर लगभग 3090 का जो लेवल है उसके आसपास देख सकते हैं। और इसके ऊपर अगर हम जाते हैं 3090 के ऊपर, तो 3200 का जो लेवल है उसके आसपास जो है वो हम जा सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली सपोर्ट और टारगेट के बारे में, क्रूड ऑयल के अंदर क्या हो सकते हैं उसके बारे में। तो जैसे मैंने बताया वैसे इंट्राडे के अंदर काम करते हो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है एप्लीकेशन का, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो ये हमारी कुल मिला के बात थी क्रूड ऑयल के लिए एमसेक प्राइस के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं उसके डॉलर टर्म प्राइस में क्या पॉसिबिलिटी है उसके बारे में। सो नंबर वन, सपोर्ट इन द डॉलर टर्म प्राइस फॉर द क्रूड ऑयल फॉर द नेक्स्ट वीक विच इज़ अवर सेकेंड वीक ऑफ सेप्टेम्बर इज 39.30 लेवल। ओके, 39.30 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर द क्रूड ऑयल फॉर द नेक्स्ट वीक। इफ दिस लेवल कैन सस्टेन बाय द क्रूड ऑयल देन वी कैन सी मोर करेक्ट। इफ दिस लेवल कैन ब्रेक एंड सस्टेन बिलो दिस लेवल देन वी कैन सी मोर करेक्शन इन द क्रूड ऑयल अप टू 38.35 लेवल। ओके, 38.35 फ्रेंड्स इट्स अवर फाइनल सपोर्ट फॉर द क्रूड ऑयल फॉर द नेक्स्ट वीक। एंड एज यू नो दैट
when our final support can break and sustain below this price, then we can see sharp correction. Same situation is occurred in previous week. Previous week our final support is 42.20, and we discussed that if our final support can break and sustain below below this price, then we can see more sharp correction in the crude oil, and same situation is occurred in previous week. Okay friends, so we have to alert when our final support 38.35 break and sustain below this price, then we can see more correction in the crude oil, and there is some impact of news at the current situation. So we have to alert in the crude oil. So we can see 37.72, 37.35 level. If crude oil can break 38.35 level, okay, so it's a support side for the crude oil. Now we are discuss about the target side. So number one target for the crude oil for the next week is a 40.40 level. A person or trader who want to only buy a crude oil, so according to my personal opinion and my personal chart trading friends, we have to buy only and only above this level. If this level can sustain and close above this price, else we can see more correction. There is at a current situation there is a more correction possible in the crude oil around the 38 level to 37.50 level. There is a high probability that we can see more correction. Okay, so if 40.40 level can sustain by the crude oil, then we can see good rally around the 41 level, which is our final target for the next week. If our final target can sustain by the crude oil, then we can see this rally continue up to 41.45 level to 42 level. Okay, so it's a support and target side for the crude oil for the next week. Remember, there is a high probability that we can see more correction in the crude oil for the next week if possible. So stay away for the temporary from the crude oil, or sell only below 39.30 level. First target 38.35. if this level can break, then free fall possible. Okay, so it's a support and target side for the crude oil for the next week, which is our second week of September. Thanks for watching this video.